पिक, दूसरा लेसन। दूसरे लेसन में आपको बताएंगे कि पिक को आप और किस तरीके से चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि अभी फिलहाल जो है आप बिगिनर हैं, तो बिगिनर में आप सिर्फ दो पोजीशन पे कंसंट्रेट करिए, पिक के दो दो तरीकों पे कंसंट्रेट करिए मारने के। एक होता है डाउन डाउन स्ट्रोक, एक होता है अल्टरनेट स्ट्रोक। तो पहला है आपको डाउन स्ट्रोक, जो हमने आपको पिछले लेसन में बताया था। एक बार क्लियर कर दूँ, रिवाइंड कर दूँ कि ऐसे करके आपको डाउन 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 इसको मारना है हमेशा। तो जब आप शुरू करते हैं प्रैक्टिस तो इससे शुरू करिए, क्योंकि ये आसान हो जाता है आपके लिए पिक को समझना, ठीक है। तो इससे अगर आप थोड़ा देर प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, आधा घंटा भी प्रैक्टिस कर लेंगे, या दस दस मिनट करके भी आधा घंटा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लेवल वाली बात है, अगर आप सिर्फ हॉबी के लेवल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपका इतने से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, इसी प्रैक्टिस को कई दिनों तक करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, ताकि आपका पिक बहुत अच्छे से चले। अगर आपका पिक अच्छे से नहीं चलता, आपकी पोजिशन अगर अच्छी नहीं है, तो आपकी अगली एक्सरसाइजेज बिल्कुल भी सही नहीं आएंगी, आपको अनकम्फर्टेबल होगा, आपका ध्यान आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज होता रहेगा, क्योंकि आप ना यहाँ सही कर पाएंगे ना यहां सही कर पाएंगे। इसलिए पिक का सही तरीके से चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस बात पे ध्यान से समझने की कोशिश करना और इसको बिल्कुल सही तरीके से प्रैक्टिस करना, ताकि आपके अगले स्टेप्स क्लियर हों। बहुत लोगों के अगले स्टेप्स इसलिए क्लियर नहीं हो पाते क्योंकि उनका ध्यान बार बार यहां चला जाता है और यहां उनकी पोजिशन सही नहीं होती है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं पहले सबसे पहले एक आपको टिप दे दूं कि आपको कैसे, तो कल मैंने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था, लास्ट चैप्टर के लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि पिक को ऐसे पकड़ना है। आपको पिक को और क्या नहीं करना है, आपके पिक को जो है कि आपको इस तरीके से जैसे ये मैंने पिक पकड़ा हुआ ना, तो आपने इस उंगली को इसके पीछे नहीं लगानी है। देखो, तो कोई लोग क्या करते हैं, दोनों फिंगर्स को ऐसे करके पकड़ लेते हैं, तो ये आपका गलत पोजीशन है। या ऐसे करके भी पकड़ लेते हैं कोई लोग, बिल्कुल ऐसे करके पिक को नहीं पकड़ना है, पिक को आपको ऐसे ही पकड़ना है। ध्यान दीजिएगा, और कोई उंगली इसके पीछे नहीं होनी चाहिए, उंगलियां इसकी फ्री रहनी चाहिए। कोई लोग मोड़ के रखते हैं तो मुड़ा भी होगा तो ऐसे होगा, पिक के पीछे ऐसे नहीं आना चाहिए, पिक बस सिंगल बस इस ओ में होना चाहिए, ये उंगलियां इस पे नहीं होनी चाहिए, इस बात का बिल्कुल आप ध्यान देना। बार बार क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है कि आपका दिमाग हमेशा एक सपोर्ट ढूंढ रहा होता है, तो अनकम्फर्टेबल होने की वजह से बार बार ये आपका सपोर्ट में आ जाता है। हम क्लास में अपने इंस्टीट्यूट में तो बार बार टोकते रहते हैं, बार बार सही करते रहते हैं, तो वो उनकी आदत फिर नहीं बन पाती है। लेकिन अगर आपको कोई टोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो आपको खुद से ही खुद को टोकना पड़ेगा। अगर आप खुद से खुद को नहीं टोकेंगे तो आप गलतियां करते रहेंगे, ठीक है। तो गलतियों से बचो, और भाई ध्यान देने की जरूरत है, अगर ध्यान देते हैं तो आपका आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपका पिक को आपको किस तरीके से पकड़ना है। इसके बाद मैं अब दूसरे में आता हूं कि आपको पिक को कैसे करके इसका दूसरा तरीका यूज करना है, अल्टरनेट स्ट्रोक्स। तो अल्टरनेट में क्या करना है आपको, देखिए कल हमने बताया था डाउन डाउन चलाना है। अब अल्टरनेट में आपको पहली एक्सरसाइज बताता हूँ, इसमें दो एक्सरसाइज में बताऊंगा। पहली एक्सरसाइज में आपको करना है इसी स्ट्रिंग पे 660 पे डाउन मारना है और अप मारना है। और जब आप मारेंगे तो ध्यान देना कि पिक को स्ट्रिंग पे रोक के नहीं मारना है, आपका पिक हवा में होना चाहिए और हवा से उसको थ्रो करना है, और हवा में रख के वहीं से थ्रो करना है। आपको ऐसे नहीं करना है, ये मारा नीचे की स्ट्रिंग पे रोक गया, फिर मारा रोक के मारा ऊपर की स्ट्रिंग पे मार दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हवा पे रखो, थ्रो करो, ये हवा पे रोको, थ्रो करो, हवा पे रोको, वहीं से थ्रो करो, डाउन थ्रो करते ऊपर आओ, ऐसे नीचे तक गए, ठीक है, और फिर नीचे से ऊपर को मारते वापस आ गए। को स्लोली स्लोली करना है, जब ये एक्सरसाइज आपकी सेव जाए, देखिए ध्यान देना, फ्लिक करना है स्ट्रिंग पे, रोक के नहीं मारना है, ध्यान देना ये रे, इसमें क्या हो रहा है देखिए, अगर आप रोक देंगे तो आपका साउंड डैम्प हो जाएगा, ठीक है, अलग तरीके का साउंड आएगा, जो अलग जगह पे अलग तरीके से यूज किया जाता है, रेगुलरली ये यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि ये इसकी यहाँ जब आपका क्लियर हो जाता है, तो फिर आप लेफ्ट साइड देख के, जैसा कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में पिछले लेसन में आपको बताया था, यहाँ देख के करना है, लेकिन स्लोली स्लोली। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज है अल्टरनेट की। दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग में डाउन मारना है, दूसरे में अप मारना है, एक में डाउन मारना है, दूसरे में अप मारना है।
ये प्रैक्टिस जो मैं अब आपको सेकंड एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा टफ होगी और आपका टाइम लेगी, तो इसको आपको डेली 5-5 मिनट भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाले समय में ये आपका सही हो जाएगा। शुरू में इतनी जल्दी सही नहीं आता है, आपका एक स्ट्रिंग में डाउन एक स्ट्रिंग में अप ये तो आ जाएगा, लेकिन एक में डाउन दूसरी में अप एक में डाउन दूसरी में अप ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देगा आपको और आपको लगेगा ये हो नहीं रहा है। लेकिन इसको आप भविष्य में फ्यूचर में छोड़ दीजिए, इसको रोज 5-5 मिनट प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आपका मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम 5 मिनट तो करना ही है, उसके आगे आप जितना भी कर सकते हैं तो उसको आप करते रहिए, तो ये आपका सुधर जाएगा और आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। तो ये तो आपका अल्टरनेट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये मैंने बताया पिक को सही तरीके से कैसे पकड़ना है और जो कि ये बताया कि पिक को अल्टरनेट कैसे चलाना है। इसके बाद मैं पोजिशन में आता हूँ। पोजिशन जब भी आप हाथ की बनाते हैं तो पहला पोजिशन मैंने बताया था फिंगर रेस्ट पोजिशन। फिंगर रेस्ट पोजिशन में आपको मैंने बताया था कि इस उंगली को आपको टच करना है, इनको हवा में रखना है। ध्यान देना जब आप पोजिशन बनाते हैं तो पूरा ऐसे करके आपको इसको रखना नहीं है, हल्का सा ऐसा होना चाहिए और ये आपका क्रॉस आना चाहिए, तो ये आपकी फिंगर रेस्ट पोजिशन हो जाती है, ठीक है। इसको उठाना, जब आप मारेंगे तो इसको उठा के नहीं मारना है, ये आपका हमेशा सपोर्ट में रहेगा और खाली टच्ड रहना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से इसको नहीं उठाना है। इसके बाद जो अगला जो पोजिशन आता है, ठीक है, और हाँ यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, सॉरी, कि आपको इसको मोड़ के नहीं बजाना है। कुछ लोग इन उंगलियों को मोड़ के बजा देते हैं, नहीं, इनको फ्री रख के बजाओ, क्योंकि ये आपकी आने वाले टाइम में हाइब्रिड पिकिंग में काम आएगा। एक अलग साइजेस होती हैं, हाइब्रिड पिकिंग में पिकिंग होती है, पिकिंग की जैसे आप अल्टरनेट पिकिंग कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी पिकिंग्स होती हैं। ये आने वाले समय में आपको मैं इसके चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि अभी बिगनर्स के लेवल का ये नहीं है, तो इसको अभी हम स्किप कर देते हैं, आने वाले टाइम पर हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चूंकि ये मैं अभी क्लास जो बना रहा हूँ, जो ये मेरे चैप्टर चल रहे हैं, बिगनर के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको बिगनर को ही मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया, तो आपका जो है इसके बाद जो आता है दूसरा, वो आता है फोरआर्म स्ट्रेस्ड पोजीशन। फोरआर्म स्ट्रेस्ड पोजीशन में क्या होता है, ये आपका जो फोरआर्म है ये पूरा यहाँ आ जाएगा और जो आपकी जो रिस्ट है आपकी ब्रिज के ऊपर आ जाएगी, ये आपका फ्री रहेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे बजाना पसंद करते हैं, फोर आर्म्स रेस्ट पोजीशन। इसमें क्या है, आप दोनों को भी यूज कर सकते हैं, फिंगर रेस्ट भी और फोर आर्म्स रेस्ट भी, आपने दोनों से सपोर्ट ले लिया और दोनों से बजाया। फोर आर्म्स रेस्ट पोजीशन जैसे हम इलेक्ट्रिक गिटार बजाते हैं, जब डिस्टॉर्शन यूज करते हैं तो उस समय भी हम इसका यूज यहाँ से करते हैं, ताकि उस ऊपर की स्ट्रिंग्स को हम म्यूट भी कर सकें। तो शुरू में जैसे मैं तो आपको ये बोलूँगा कि अभी आप एकॉस्टिक गिटार प्ले कर रहे हैं तो आराम से यहाँ पूरे रेस्ट के साथ बजाइए, ये आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन अगर वे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आपको अपने हिसाब से करना है, या आपको वही अगर कंफर्टेबल लग रहा है तो आप रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, इसको फ्री रख के भी कर सकते हैं, इसको हल्का सा इसका भी सपोर्ट, दोनों का सपोर्ट यहाँ से आप थोड़ा बहुत दे सकते हैं, उसमें आप यूज कर सकते हैं। बस ये कि इसको लूज रखना पड़ेगा ताकि ऊपर नीचे जाते समय ये आपका फ्री रहे, यहाँ से भी आपको लूज रखना पड़ता है ताकि आपका फ्री रहे। लूज का मतलब ढीला होना चाहिए, वो टाइटली जोर से नहीं दबाना है, नहीं तो आगे पीछे मूव नहीं कर पाएगा। ये भी आपको जोर से नहीं दबाना है, ये आपका ऊपर नीचे ड्रैग कर सकता है जिसमें आप स्ट्रिंग पे मार रहे हैं। तो ये जैसे जब आप इसमें मार रहे हैं स्ट्रिंग पे, तो ये जो आपकी पिंकी फिंगर है ये ऊपर नीचे ड्रैग जब करती है तो ये स्ट्रिंग पे टच भी हो सकती है। आप ये मत सोचिए कि स्ट्रिंग में टच नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब आप स्ट्रिंग पे टच करते हैं तो आपका ये पिक जो है उस स्ट्रिंग को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो साउंड आपका म्यूट हो जाएगा। तो इस पोजीशन से भी आप अलग अलग पोजीशन से इसको यूज कर सकते हैं। जो बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे, जैसे जो 7-8 साल के 9 साल के बच्चे सीख रहे हैं और उनका हाथ ऐसे करके पहुंचता नहीं है, तो वो भी यहाँ से पोजीशन का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से वो बच्चों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। और एक बात तो क्लियर करूँगा, ऐसे करके जब आप पोजीशन बनाते हैं मारते हैं तो ऐसे स्ट्रेच करके नहीं लाना है, आप ऊपर नीचे लाइए और पूरा इसको प्रॉपर सीधा आने दीजिए। अगर आप क्रॉस अगर लेंगे और यहीं से स्ट्रेच करेंगे तो ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको सीधा आना है, उसको लूज रखना, ऊपर मारते समय ऊपर, नीचे मारते समय नीचे, यहीं पर से हल्का मोड़ के भी कर सकते हैं आप, करते रहिए, बाकी आपको खुद ब खुद इसमें आइडिया आने लग जाएगा। प्रैक्टिस करना मत छोड़े, इन बातों को ध्यान में रखते हुए करिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, खासतौर से बिगनर्स का। और जो ये गलती कर रहे हैं पहले से, वो भी अपनी गलती सुधार लीजिए, लेकिन ये सिर्फ बिगनर के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमने देखा हुआ है हमारे स्टूडेंट्स जो पहले से सीख के आते हैं थोड़ा बहुत, ये बहुत सारी गलतियाँ यही गलतियाँ कर रहे होते हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, और उन्हीं गलतियों को समझ के हमारे रिसर्च से ही मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या गलतियाँ होती हैं। तो उसका ध्यान रखिए और सही से करिए और तैयार हो जाइए मेरे अगले चैप्टर अगले लेसन के लिए। इसके बाद आपको जल्दी से इसका अगला लेसन मिलने वाला है जिसमें आप सीखेंगे कि आपको कॉर्ड्स कैसे बजानी है, कैसे उसकी ग्रिप बनानी है, कैसे आप सही तरीके से कॉर्ड को स्विच कर सकते हैं। तो बहुत कुछ आने वाला है, वन बाय वन आने वाला है, तो जल्दी से
सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप बहुत अच्छे से इन क्लासेस को सीख सके। ये मत देखिए कि 10 मिनट का टाइम लग रहा है, 12 मिनट का टाइम लग रहा है, ये कोई रील नहीं होती है एक मिनट की जो आपको एक मिनट में पूरा प्रॉपरली सिखा दिया जाए। ठीक है, जैसे मैं हमारी जिंदगी कोई रील ही नहीं है कि हम एक एक मिनट में उसको जी लें। ठीक है, हर चीज़ का कोई ना कोई टाइम होता है। मैगी भी 2 से 5 मिनट में बनती है, यानी कि आपने चढ़ाई और बन गई। ठीक है, चावल का पकने का भी एक टाइम होता है, रोटी का पकने का भी एक टाइम होता है। हर चीज़ आपकी एक एक मिनट में नहीं हो सकती है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा सीखने के लिए। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए और अच्छे से बेहतर ढंग से इसको सीखिए, ताकि आगे आप अच्छा बजा सकें। ओके, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।